हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पूजा। क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रेस का कवर, यानी कि आयरन का कवर। ये देखिए, इस तरह का इसका लुक है। बनने के बाद में ये इस तरह का आपको दिखेगा। और इस तरह का कवर बनाने के लिए आपको बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत है, कुछ भी स्पेशल में आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह का जो हमारा ये आयरन का कवर बन के रेडी होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर आप भी आयरन का कवर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इस तरह का कवर बनाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी सामान आपके घर में अवेलेबल होगा, उसी से हम ये कवर बना देंगे। तो चलते हैं इस कवर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है आयरन का मेज़रमेंट। तो देखिए, इसके नीचे का बेस जो है, हम यहाँ से इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। और जो भी बचा कपड़ा है उसी को आप यूज़ कर लीजिए, उसी से ये कवर हमारा बन जाएगा। देखिए, जितना हमने मेज़रमेंट लिया है उससे आधा इंच फालतू लेकर के हमें इसकी कटिंग करनी होगी। ये आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने दो पीसेस कट कर लिए हैं। ये दो पीसेस के साथ में अगर आप चाहें तो दो पीसेस और अस्तर के कट कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास में ये एक कपड़ा बचा था तो मैंने ये बाद में दो पीसेस और कट किए थे। एक्चुअली हमें चार पीसेस चाहिए। अब हम लेंगे इसके प्रेस का साइड का मेज़रमेंट। तो देखिए, साइड का मेज़रमेंट किस तरह से हमें लेना है। और जितना भी आपकी प्रेस का मेज़रमेंट आएगा उसमें प्लस वन कर दीजिएगा। मेरा क्या है, ये 19 आया था, तो इसका हम प्लस वन करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और हाइट में इसकी लेंथ 5 है, तो हम प्लस वन करेंगे तो 6 हो जाएगी, यानी कि 20x6 की इसका मेज़रमेंट हमने इसका लिया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम पट्टी कट करेंगे। तो इस तरह 20x6 की पट्टी कट करने के लिए कर लेते हैं हम मेज़रमेंट। तो देख लीजिए, अब ये 20x6 की पट्टी हम कट कर लेते हैं। इस तरह की ये पट्टी हमें दो चाहिए। चाहे तो आप एक अस्तर की ले सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे फैब्रिक की ले सकते हैं, लेकिन मैंने सेम फैब्रिक की ली हैं दो पट्टियाँ। तो ये काट ली है हमने 20x6 की पट्टी, जो कि प्रेस को चारों तरफ से कवर करेगी। अब हमें बैक वाली साइड का हमने मेज़रमेंट लेना है। तो इसका मेज़रमेंट हमने लिया है तो ये 4 इंचेस का होगा, और हाइट में हमने जो 6 इंचेस लिया था वही हम लेकर के चलेंगे, यानी कि 6x4 की हम एक और पट्टी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, 6x4 का मैंने ये पीस कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे ये तीन पैटर्न आएंगे, एक ये बैक के लिए और ये चारों तरफ से कवर करने के लिए लंबी पट्टी, और ये ऊपर नीचे के लिए पीसेस।
ये देखिए ये साइड से कवर करने के लिए पट्टी, लंबी पट्टी जो हमने 20x6 की कट की थी, और ये जो प्रेस का मेज़रमेंट लेकर के हमने दो पीसेस कट किए थे। अब हमने लेना है ये चावल का पैकेट, ये जी हाँ ये पैकेट बड़े काम की चीज़ है। इस पैकेट्स को यूज़ करके हम इसमें पैटर्न बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म लेकर के भी पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्टेज आपको बता रही हूँ तो ये वेस्ट मटेरियल से टोटली बना करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने ये पैकेट को कट कर लेना है और लंबा हमने इसको कट करके ले लेना है। अब मैं इसकी साइड्स कट कर दूंगी और ये हमारे पास सिंगल लेयर इसकी होनी चाहिए। ये देखिए इसको कट करने के बाद में हमें क्या करना है कि हमने जो भी पैटर्न जो भी कटिंग की है उसकी कटिंग के हिसाब से उसके बराबर के पीसेस हम कट कर लेंगे ताकि हम उसे इसे लगा करके इसमें पैच बना सकें। तो सारे पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ये देखिए मैंने नीचे और ऊपर के पेट जो पीस कट किया है उसमें इस तरह से इसको जॉइंट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो यानी कि एक कपड़ा हम ऊपर लेंगे, बीच में हम ये सैक का जो पैकेट है चावल का वो उसका कपड़ा लेंगे और एक कपड़ा उसका ऊपर भी लगाएंगे, यानी कि एक अस्तर टाइप अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा दूसरा कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं सेम कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसमें पैटर्न बनाने हैं, इसको अटैच कर देंगे साइड से पहले, फिर इसमें पैटर्न बनाएंगे। तो ये देख लीजिए सारे पीसेस के ऊपर हमने पैटर्न बना लिया है और हमारे तीनों के तीनों पीसेस, चार पीस हमारे ये होंगे और चारों पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको जोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से हमें, ये देखिए ये मैंने हैंडल के लिए कटिंग की है और ये पीसेस हमारे रेडी हैं। अब ये जो लंबी पट्टी है इसको तकरीबन 1.5 इंच फोल्ड करके हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसके बीच में चेन लगानी होगी। तो इस तरह से मैं इसको बीच में से फोल्ड कर रही हूँ। इसको मेज़रमेंट करके देख लीजिए आप, ये 1.5 से 1.75 इंच की होगी, लेकिन मैंने ये 1.5 इंच का लिया है और 1.5 इंच का लेकर के हम इसको लंबा कट कर लेंगे बीच में से ताकि हम इसमें बीच में चेन अटैच कर सकें। तो ये देखिए ये हमारे दो पीसेस इस तरह से कट हो जाएंगे। हम इसके बीच में इसको चेन अटैच करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम चेन इसमें अटैच कर देते हैं। यहाँ पर मैं चेन अटैच करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से हम इसको पूरा जॉइंट कर लेंगे जिप को, बीच में रनर आ रहा है उसको खींच के मैं पीछे कर देती हूँ तो फिर इसे इजीली हो जाएगा मशीन में ताकि ना अड़े। और इस तरह से ये पूरा चेन हम इसके साथ में अटैच कर देंगे और इसके बाद हम इसमें दोनों तरफ से ये चेन अटैच करेंगे और प्रेस स्टिच साथ में ज़रूर करना है, नहीं तो चेन जल्दी ख़राब होने का डर होता है। इस तरह से हम इसको वापस पलट देंगे और प्रेस स्टिच कर देंगे। अब इसी तरह से दूसरी तरफ से
चेन को इसके साथ में अटैच कर देंगे। सिंपली अटैच करने के बाद में प्रेस स्टिच जरूर करना है। ये देखिए इस तरह से हमने कर दिया। प्रेस स्टिच करने के लिए हम देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें प्रेस स्टिच लगा देंगे। पूरा प्रेस स्टिच करने करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी ये जिप इसके साथ में अटैच हो गई है। ये हमारी पट्टी रेडी है। अब हम इसमें अटैच करेंगे ऊपर का और नीचे का हिस्सा। तो इसके लिए देखिए बीच में से मैंने मार्क कर लिया है, यहाँ पर कट लगा लिया है ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो पॉइंटेड जो पार्ट आएगा वो इस तरह तरफ आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप चाहें तो पहले कच्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली मशीन से ही सिलूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये वाला पीस हम इसके साथ में अटैच कर लेंगे। देखिए बराबर आना चाहिए, पहले मेजरमेंट कर लेना है। ये आप कच्चा करना चाहते हैं तो कच्चा कर लीजिए, या सेफ्टी पिन के साथ में अटैच करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये मैंने अटैच कर दिया है उल्टी तरफ से। अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ किस तरह से इसका लुक आया है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी होगा पीस। अब इसके पीछे वाली जो पट्टी हमने काटी थी हम उसमें अटैच करेंगे। ये देखिए ये वाली जो पीस हमने कट किया था, अब हम इसके बैक साइड इस तरह से इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस यहाँ से जॉइंट करना है, इसको घुमा लेना है, फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर वापस से घुमा करके इस तरह से हमें ये पीस अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से ये पीस हमने अटैच कर दिया है उल्टी तरफ से। हम इसको अटैच करेंगे और पलट के मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये रेडी होगा यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से ये पीस हमारा रेडी हो गया है। अब हमारा एक पीस लगाना बाकी रह गया है, तो वो भी हम लगा देंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर ये वाला पीस रखेंगे और उल्टी साइड से ही इसको भी सिल देंगे। ये जिप खोल करके मैं इसको उल्टा कर लूँगी उल्टी तरफ से, क्योंकि हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे पीस को, नोक वाली साइड जिस तरफ रखनी है ध्यान रखेंगे कि उस तरफ से लगा करके इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए जॉइंट हो गया है, मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा लगभग ये प्रेस का कवर रेडी हो गया है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बना है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अब हम देखिए इस तरह से ये जो हमारे ये पीस रेडी हुआ है। यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर एक स्टिचिंग बाहर की तरफ से कर देंगे, और इससे क्या होगा कि ये पक्का हो जाएगा, जल्दी से उधड़ेगा भी नहीं, अच्छी पक्की सिलाई हो जाएगी और फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से मैं जहाँ पर भी ये जॉइंट्स हैं हम बाहर की तरफ से एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे, तो ये पाइपिंग जैसा लुक इसमें आ जाएगा और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिना करे भी ये पीस आपका रेडी हो जाएगा बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो इस तरह से मैंने ये ऊपर से स्टिचिंग जरूर की है, और इससे इसका लुक बहुत अच्छा आया है। तो इस तरह से मैं जहाँ पर भी जॉइंट है सब तरफ से कर दूँगी। ये देखिए हमारा प्रेस का कवर बन के रेडी है। अब हम इसमें ये देखिए खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से हमारा पीस बन के रेडी हुआ है। ये हमने हैंडल बनाया है, इसमें भी मैंने चावल का जो बैग था उसका पीस लेकर के हैंडल उस बना करके रेडी किया है। इस हैंडल को मैं इसके साथ में अटैच कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर अटैच कर देंगे बिल्कुल सेंटर में। ये यहाँ पर चलिए अटैच कर लेते हैं। ये देखिए हैंडल अटैच करने के बाद में ये प्रेस का कवर हमारा रेडी है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर कि आपको ये DIY कैसा लगा। वीडियो काम की है और बहुत ही आसानी से बताने की कोशिश मैंने की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, मैं आपका कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो ये है हमारा फाइनल लुक हमारे इस आयरन कवर का, ये देखिए कितना अच्छे से बन के रेडी हुआ है। इससे आप अपने आयरन को सिक्योर करके रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, धूल मिट्टी से बचा सकते हैं, स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।